गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया है और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ देवी सिक्किम से। तो आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत से स्वागत है। तो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ जीपीयू। उस दिन मेरा काम नहीं हुआ था तो मैं आज जा रही हूँ। तो मेरा दुकान का लाइसेंस रिन्यू करवाना था तो बैंक से बेयर सब कटवा के ले आई, लेकिन यहाँ पे जो ऑफिस में काम होना था वो नहीं हो पाया था। तो अभी थोड़ा बारिश रुक गए, इसी टाइम मौका देख के मैं जा रही हूँ जीपीयू। पैदल जाऊंगी, 10-15 मिनट का रास्ता है, तो आप लोग के साथ बात करते करते जाऊंगी। और गाइस, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। बात बताना नहीं, मतलब वो सिंपल है, हर कोई यूट्यूबर ऐसे बोलता रहता है ती नहीं की, हर यूट्यूबर ऐसे बोलते रहते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ये वो। तो मैं भी वही एक यूट्यूबर हूँ, अभी अभी मैंने चैनल शुरू किया। तो गाइस प्लीज, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो साइड में आता है वो टिंग टिंग वाला बेल बटन, उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं ऐसे रोज नया नया वीडियोस अपलोड करती रहूंगी। तो सबसे पहले आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा और आप लोग जरूर उसको देखिएगा। तो गाइस, ये बिल्कुल फ्री है, प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, अभी के लिए इतना ही। तो आपको फिर ले चलती हूँ जीपीयू। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई नीचे, तो अब चलते हैं। गाड़ी नहीं मिलेगी, पैदल ही जाऊंगी, बारिश हो रहा है। तो गाइस, अभी मैं आपको रास्ते में मिलूंगी। आजकल ना सिक्किम में बहुत ज़्यादा झरना मिलने देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादा बारिश हो रहा है। तो इधर उधर सब जगह पानी अच्छे से आ गया है। देखिए, ये भी कितना सुंदर है, छोटा सा है लेकिन बहुत सुंदर है। आप लोगों को मैं छोटे छोटे चीज़ों को दिखाऊंगी। ये देखिए, समर में तो बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे झरना बन जाते हैं, लेकिन विंटर में आपको झरना दिखना है तो यार बहुत सारे जगह में जाना पड़ता है। लेकिन अभी बहुत अच्छा अच्छा झरना आपको दिखने को मिलेगा। तो मैं जा रही हूँ छाता ओढ़ के। देखिए पीछे अच्छे से, ओ छाता को निकाल लेना है, कितना अच्छा दिख रहा है ना। ओ पानी, अगर गाड़ी मिलता तो मैं गाड़ी से जाती, थोड़ा जल्दी घर पहुंचती फिर काम ख़त्म करके। लेकिन मुझे गाड़ी नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, मैं आराम से जाऊंगी, आराम से आऊंगी। थोड़ा एक्सरसाइज भी हो जाता है ना, क्योंकि घर में बैठे बैठे बहुत मोटी हो गई हूँ। काम काज कुछ है नहीं, काम तो थोड़ा मोटी हो गई हूँ। एक्सरसाइज भी सुबह सुबह करती हूँ, डाइटिंग नहीं करती यार, मुझे खाने का बहुत शौक है, डाइट थोड़ी कर पाऊँगी। कोई बात नहीं, थोड़ा एक्सरसाइज ही कर लेंगे। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा बादल है बढ़िया।
मैं जा रही हूँ यहाँ से सीढ़ियों से आपको ऊपर जाना है। यहाँ पे GPU मुझे गाड़ी मिल गया था तो गाड़ी से आ गई मैं। यहाँ पे ये है इंडस्ट्री, लेकिन ये शीशा वगैरह सब तोड़े हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ग्राम प्रशासन केंद्र, ये इंडस्ट्री ना, इंडस्ट्री में काम होता है, पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। यहाँ पे लेडीज लोग आते हैं और कुछ बनाते बुनते, आपको थोड़ा दिखाती हूँ अगर मौका मिला तो। बुनेको बुनेकै है मैं जीपी गएको सर नआएको देखाइदिनु भनेछ बुनेको। आपको थोड़ा दिखा दिया, वहाँ पे बात नहीं कर पाई क्योंकि अलाउ नहीं है। वो दो चार लोग हैं काम कर रहे थे और उनकी मैडम ही वहाँ पे बैठी है, तो डिस्टर्ब नहीं किया उन लोगों को। मैं अब जा रही हूँ उन्हीं ऊपर, पता नहीं ऑफिस में आज मेरा काम होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। और ये रहा GPU, ग्राम प्रशासन केंद्र। अब हम जाएंगे यहाँ से अंदर ऑफिस की तरफ। छाता से पानी आ रहा है, यहीं पे रख के जा रहे हैं, पता नहीं आते वक्त मिलेगा कि नहीं मिलेगा। काम नहीं हुआ आज, RDA मैडम नहीं थी, कोई बात नहीं, वहीं पे रिसिप्ट वगैरह जो बियर काट के लाई थी, रिसिप्ट तो उन लोगों ने रख दिया है। जब रेडी हो जाएगा लाइसेंस तो वो लोग हमें कल करेंगे। तो अब मैं जा रही हूँ सीधा घर। काम पनि भएन गएको, देखाउनु पर्छ नि हजार छ्या त्यतिकै हो।
जीपीयू रोड से थोड़ा ऊपर है, 3-4 मिनट लग जाएगा आपको, पैदल जाना पड़ेगा ऐसे सीढ़ियों से। तो मैं जा रही हूँ अब नीचे घर, रोड यहाँ पे है सामने, ऐसे ही जाती हूँ पैदल पैदल चलते चलते। देखिए पाइन ट्री, यहाँ पर भी है। पूरा यहाँ पे नीचे मक्का की खेती है, भुट्टा जो आप लोग बोलते हो, भुट्टा उसकी खेती है। बादल बादल भाई, बस अब जाऊंगी घर में, क्योंकि अब खाना तो खा लिया हमने, आज सुबह जल्दी खाना खाई थी। आप बेम्बू, बहुत सारे बेम्बू से यहाँ पे, ये देखिए पूरा बेम्बू ही बेम्बू है यहाँ पे, नीचे तक, बहुत नीचे तक बेम्बू दिखाई देगा आपको। बहुत ज्यादा बेम्बू है बेम्बू। यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल फ्लावर, यहाँ पे कलर अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन पिंक कलर के बहुत अच्छे फ्लावर लगे इस पे। दादू भाई केंद्र, देखो मुझे मिठाई मांग रहा है, अब मिठाई नहीं है, मैं मार के थोड़ी गई थी, जीपी गई थी।
हेरो खुसी भएको तिमीलाई त टो तो गाइस अभी मैं पहुंच गई घर। अब मिलते अब दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।